夜。ये फिर सब कैसे दोस्तों, जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल डाल दूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल चिकचो कैटिंग में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मिल जाती है इस वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों वीडियो एडिट करने के लिए उस तरह की करना क्या होगा दोस्तों, सिंपली दो एप्लीकेशन की हमको जरूरत पड़ने वाली है, एक का नाम है काइन मास्टर और एक का नाम है बैकग्राउंड इरेजर, दोनों आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों, उसके बाद सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो सेंटर वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों जैसे ही आप मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे, और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को लेके आना है जो कि आपको शूट करना पड़ेगा। तो किस तरह से वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखना इस वीडियो को जो कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद बताऊँगा कि कैसे रिकॉर्ड करना है। कुछ इस तरह से आपको दरवाज़ा ओपन करना है। दोस्तों दोस्तों ध्यान रखना आपका फ़ोन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरह से एक बार आना है आगे की और अपने फ़ोन तक, फिर वापस चले जाना है दोस्तों, फिर दोबारा से आना है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। दोस्तों अब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपली करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको उस पोर्शन पर आना है जब पहली बार आप आ रहे होंगे। दोस्तों जैसे आप दरवाज़ा ओपन करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पर इस पोर्शन पर पैर रखोगे दरवाजे से आगे की ओर, दोस्तों सिंपली इसी पोर्शन पर सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो पर क्लिक करके इसका एक स्क्रीनशॉट अपनी गैलरी में सेव करना है। तो कहाँ से सेव करना है, आप डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों कैप्चर का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने में कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो फर्स्ट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें, इससे क्या होगा ये कैप्चर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों तो अब आपको करना क्या होगा, सिंपली बैक आ जाना है। दोस्तों बैक आने के बाद दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। दोस्तों ओपन करने के बाद सिंपली लोड फोटो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही लोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लेके आ जाना है। दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, सिंपली इसका जो कि दरवाजे वाला पोर्शन है इस सबको कट करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों इसको कट करना, इरेज करना। तो हम फटाफट से कर लेते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको इसका पोर्शन दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इसके दरवाजे का सिर्फ पोर्शन दिखना चाहिए, बाकी आपको सब इरेज कर देना है। दोस्तों अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करके फटाफट से कर लेता हूँ दोस्तों इसका ये सब कुछ इरेज, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इरेज करना है। दोस्तों सिंपली कुछ इस तरह से आपको यहाँ से सारा कुछ कट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ से बीच के पोर्शन पर कट करा है। सिंपली इसको कट करने के बाद इतना इरेज करने के बाद सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर देना दोस्तों, इससे क्या होगा ये गैलरी में सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद दोबारा से अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है दोस्तों, उसी पोर्शन पर आ जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने काइन मास्टर के उसी पोर्शन पर आ गए। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसको यहीं पर लेके आ जाना होगा जो कि अभी हमने कट किया दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को। तो कुछ इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सॉरी मैं दूसरा ले आया। दोस्तों यही वाले को आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली सीजर के साथ वाले एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से फुल साइज पर क्लिक कर देना दोस्तों, ऑफ के साथ वाले पर। जैसे आप इस पर क्लिक करिए पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब आपको करना क्या, इसको यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये हमारा कैप्चर है, इसको यहाँ से पीछे की ओर घसीट के लेके जाना है दोस्तों, इसको बड़ा कर देना, यानी कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ तक आप दोबारा से आगे की ओर आते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर पैर रखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों सिंपली यहीं तक फिट कर देना, यहीं तक हमारा पैर आएगा दोस्तों। अब आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से वीडियो आपकी बनने वाली है। तो देखा दोस्तों इस तरह से आपकी वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था दोस्तों, अब आपको करना है यहाँ से शेयर के बटन पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर देना है, 180 पर टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तो शेयर भी जरूर कर।